24 सितंबर 2002 ये तारीख किसी काले साए से कम नहीं है। दरअसल ये वही तारीख है जिस दिन दो हथियारबंद आतंकियों ने गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में हमला किया था और 30 लोगों की हत्या कर दी थी और 10 से अधिक लोग घायल हुए थे। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना के एक बहादुर कमांडो ने ऐसी भूमिका निभाई जिसको लोग आज भी याद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NSG कमांडो सुरेश चंद्र यादव की। दरअसल सुरेश चंद्र यादव का जन्म 1 जून 1961 को राजस्थान के अलवर जिले के गांव खेतान खेड़ा में हुआ था। वो 30 सितंबर 2001 को SAG NSG में शामिल हुए थे। 24 सितंबर 2002 को दो हथियारबंद आतंकवादियों ने अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर गांधीनगर गुजरात में प्रवेश किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों ने परिसर में मौजूद 30 लोगों की हत्या कर दी और 10 से अधिक लोगों को घायल कर दिया था। NSG को स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी दी गई। सुरेश चंद्र यादव जो टास्क फोर्स का हिस्सा थे, कमांडो के एक ऐसे समूह का नेतृत्व कर रहे थे ताकि आतंकवादियों का ध्यान भटकाया जा सके और अन्य कमांडो को कवर प्रदान किया जा सके जो आतंकवादियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस बीच उनकी टीम के एक कमांडो सुरेश चंद्र यादव को अपनी जान और निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना गोली लग गई थी। भारी मात्रा में गोलीबारी के बीच आगे बढ़े और कमांडो को सुरक्षित बाहर निकाला। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी टीम कमांडर को भी सटीक और भारी गोलीबारी से नीचे गिरा दिया गया था। सुरेश चंद्र यादव अपनी टीम कमांडर को कवर फायर देने के लिए आगे बढ़े ताकि वो खुद को छुड़ा सकते थे। अपनी टीम कमांडर के साथ संपर्क स्थापित करने के बाद सुरेश चंद्र यादव ने ग्रेनेड फेंका और आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं। ऐसा करने पर वो आतंकवादियों की सीधी गोलीबारी में आ गए जिससे बाकी टीम को आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए सुरक्षित रूप से उनकी ओर बंद करने में सक्षम बनाया गया। जब वो आतंकवादियों से 5 मीटर से भी कम की दूरी पर थे तो उनके चेहरे पर सीधी गोली लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अत्यधिक खून बहने के बावजूद उन्होंने आगे जाकर गोलीबारी बंद की और अपनी चोट के कारण वीरगति को प्राप्त होने से पहले एक आतंकवादी को पास में ही मार गिराया। सुरेश चंद्र यादव ने 25 सितंबर 2002 को ऑपरेशन व्रज शक्ति के दौरान अदम्य साहस, मिशन के प्रति पूर्ण समर्पण, नेतृत्व और सर्वोच्च क्रम के सामरिक कौशल का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वीरता के इस कार्य के लिए उन्हें अशोक चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। उनके परिवार में माँ, पिता और पत्नी और 3 बच्चे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।